T9 भारत वर्ष पर लगातार वॉर जोन से आ रही एक्सक्लूसिव खबरों पर होगी डिटेल जानकारी, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और आपको बता दें, हमास इजराइल पर मुस्लिम देशों में फूट को लेकर बड़ी खबरें, जहां इजराइल मिशन पूरे करके ही रुकने की बात कह रहा है तो हमास जवाबी दावे भी कर रहा है। इस बीच OIC और अरब लीग की बैठक में दो फाड़ बिल्कुल साफ नजर आने लगे हैं। करुणा, बिल्कुल सुरभि, और देखिए ईरान और उसके सहयोगी ने जो चाहा उसे सऊदी अरब और उसके गुट के मुस्लिम देशों ने रोक दिया। हम इसको बताएंगे कैसे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो दो फाड़ नजर आया अरब लीग की बैठक के दौरान। लेकिन पहले देखते हैं कि कैसे इसराइल और हमास जंग को महाविध्वंस की ओर ले जाते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए महाविध्वंस के सिग्नल को लेकर बात, इसलिए क्योंकि इसराइल जहां दुनिया से लड़ लेंगे जंग नहीं रोकेंगे इस बात की तरफ बार बार बयान दे रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण साफ इशारा दे रहा है कि ना इसराइल हार मानेगा और ना ही हमास। क्योंकि हमास के उस स्टेटमेंट पर भी गौर करिए जहां हमास ये कह रहा है कि इसराइल को घुटनों पर लाकर ही दम लेंगे। तो इस महायुद्ध के एक महीने बाद इसराइल जो कह रहा है दुनिया से लड़ लेंगे लेकिन जंग को नहीं रोकेंगे, वहीं हमास भी यह साफ तौर पर कह चुका है कि इसराइल को घुटने पर लाकर ही वो दम लेंगे। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है कि इस दोनों बयान और दोनों रुख से साफ हो चुका है कि इशारा साफ है, ना इसराइल हार मानेगा और ना ही हमास। इसीलिए करुणा नतीजा यह माना जा सकता है कि हमास के समर्थन में कुछ देश अब जल्द उतर भी सकते हैं। और देखिए यहां पर यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि युद्ध का विस्तार होगा, जो संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच सैन्य टकराव मुमकिन है, क्योंकि ईरान लगातार इसराइल के खिलाफ है और उसके खिलाफ जो गुट है उनको सपोर्ट कर रहा है। अब आखिरी अंजाम क्या होगा यह समझ लीजिए। इसराइल हमास जंग विश्व तब्दील में तब्दील हो जाएगी, ये बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीज फायर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, शांति बहाल होती नजर नहीं आ रही। तो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसमें दुनिया से लड़ लेने की बात तो कही जा रही है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर है जहां IDF का गैस बॉम्ब से हमला हुआ है। ये एक और चेतावनी भरी खबर, क्योंकि घरों पर गैस बॉम्ब से हमले की अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कालिंदिया कैंप में अटैक भी, ये एक और सबसे बड़ी खबर। तो वॉर के बीच इसराइल का आरपार वाला ऐलान सामने आ गया है, दुनिया से लड़ना पड़े तो भी मंजूर है, गाजा में मिशन से पीछे हटने वाले नहीं है। यह इसराइल की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम नहीं आने वाले, इस बात का ऐलान किया गया। नेतन्याहू और दो मंत्री मीडिया के सामने बोले इस बात का ऐलान किया, भले ही दुनिया से कितना दबाव पड़ जाए, भले मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ ही क्यों ना उसके खिलाफ आ जाए, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है, यह संकेत अब साफ है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया उसके संकेत करुणा बहुत गंभीर हो जाते हैं, इसलिए इस बारे में डिटेल चर्चा करने से पहले कुछ खास बातें सामने रखना जरूरी है, क्योंकि तीन शीर्ष इजरायली नेता जिस तरीके से यहां, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इसके साथ ही रक्षा मंत्री योव गैलेंट और मंत्री बेनी गेट्स, इनकी मांग को लेकर सबसे बड़ी बातें यहां पर सामने है कि विश्व इसराइल की मुहिम का समर्थन करे। हालांकि इसकी वजह आखिर क्या है ये जानना भी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये बता देते हैं क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है। इसराइल की जीत पूरे वर्ल्ड की जीत साबित होगी, ये कहा गया और ऐलान इस बात का किया गया, गाजा में अपने मिशन से हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ जाए तो भी लड़ जाएंगे, गाजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी को हम नहीं सौंपने वाले, ये तक कहा गया। और ये सोर्स क्या है, नेतन्याहू की अगुवाई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके जरिए ये पूरा ऐलान सामने आ रहा है। हालांकि जो कुछ इजराइल के PM और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने कह दिया है उसके बाद कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, उन सवालों पर सबसे पहले एक नजर, क्योंकि यहां पर ये जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या इस मोड़ पर रुकना इजराइल के लिए अब आत्मघाती होगा करुणा? बिल्कुल, और सवाल यह भी है देखिए सुरभि कि क्या इसराइल ये समझ रहा है कि गाजा पर कंट्रोल का यही सही मौका, ये तमाम सवाल है जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह है कि क्या इजरायली सख्त रुख से ही युद्ध का विस्तार तय है, और एक और बड़ा सवाल क्या अमेरिका इसराइल और मुस्लिम देशों के बीच फंस चुका है, ये बड़ा सवाल है।
क्या गाजा में नागरिकों की मौत रुकने की उम्मीद खत्म हो चुकी है? ये वो तमाम पांच बड़े सवाल थे जिसके साथ ही हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिवात सर, सवाल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इसराइल जिस तरीके से रुख अपना रख रहा है, क्या गाजा पर कंट्रोल का यही एक मौका है या इसको इस लिहाज से भी समझ ले कि अब सब कुछ और विस्तार के तहत इग्नाइट होते हुए एग्रीवेट होते हुए महायुद्ध का संकेत दे रहा है? हाँ, देखो सच्चाई यह है कि जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इजराइल ने बनाए थे कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ जा रहा है। एक तो उसने ये कहा था कि जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था ऐसा हमला दोबारा ना हो, तो इसलिए हमास का बिल्कुल हम मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट कर देंगे। वो 70-80% तक कर चुके हैं, बाकी जो है उसकी मिशन पे चलते जा रहे हैं। जो दूसरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था कि जो होस्टेजेज हैं उनको छुड़ाना है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो एक प्रकार अभी भी जो लटका हुआ है। और ये एक मुझे लगता है इसराइल की दुखती नब्ज है। अगर आप ये देखें कि क्या ये लड़ाई अब क्या रीजनल वार की तरफ जा सकती है, अभी तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान एक देश है जो इमीडिएटली इस लड़ाई में आ सकता है, उसके विरुद्ध अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, न्यूक्लियर पावर सबमरीन और अपने जो सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट उतारे हुए हैं, तो मुझे लगता है ईरान इतनी जल्दी आएगा नहीं। आ सकते हैं तो वो हिजबुल्ला या होती रेबल, वो एक प्रकार नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनसे इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा लगता नहीं कि अभी लड़ाई जो है रीजनल हो सकती है। मगर मैं ये भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से OIC में फाड़ पड़ गई है, एक तरफ सऊदी अरेबिया UAE और एक तरफ ईरान और टर्की, ईरान और टर्की जो मांग कर रहे हैं बिल्कुल पूरे इसराइल को आप एक प्रकार से ऑयल ना दें, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इकोनॉमिकली बाइकॉट करें, क्या अरब देश मानने को तैयार हैं UAE और सऊदी? और सऊदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, ये समझनी चाहिए करुणा कि क्या अभी सीज फायर होना चाहिए और होस्टेज छोड़े जाने चाहिए। वो बार बार होस्टेज छोड़ने बात कर रहा है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो पैलेस्टाइन के सिंपति तो आ रही है, पर कुछ बहुत ही कम देश हैं जो ये खुल के आए हैं कि होस्टेजेस को छोड़े। अगर आप होस्टेजेस छोड़ेंगे तभी तो सीज फायर हो सकता है। उसकी जो आवाज थी, मुझे लगता है सऊदी ने जो बोली है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है पूरे। बिल्कुल, एक बड़ा बैलेंस चलाकर कैसे सऊदी अरब चल रहा है सर, ये भी हम देख रहे हैं और कैसे नसीहतें दी जा रही है कि कैसे इस युद्ध को रोका जा सकता है, थामा जा सकता है, लेकिन अभी युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और नेतन्याहू ने फिर खारिज कर दी है सीज फायर की मांग। एक बार फिर से आपको बता दें, बंधकों को रिहा कराना प्राथमिकता और बंधकों तक पहुंचना जिस तरीके से चुनौती बनी हुई है उसके तहत शर्तों की बात भी कही जा रही है। पहले बंधकों को रिहा करने की शर्त और नेतन्याहू ने फिर हमास के खात्मे की बात की और गाजा में जिस तरीके से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ी खबर यह है कि 11,000 से ज्यादा लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वाकई बेहद दुखद है, बेहद ही पीड़ा देने वाला ये जो आंकड़ा इस वक्त निकल कर आ रहा है 7 अक्टूबर के बाद से जब से इसराइल की ओर से हमला किया गया। और अब क्या कहा जा रहा है इसराइल की ओर से, क्या कहा जा रहा है, IDF क्या बोल रही है, साथ में गाजा से बाकी अपडेट क्या, पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आज युद्ध के 37वें दिन हो क्या रहा है। गाजा में नहीं रुकेगा इसराइल, उसने साफ बोल दिया है, सीज फायर की मांग इसराइल ने एक बार फिर से खारिज कर दी है। सीज फायर संभव है अगर 239 बंधकों को छोड़ दिया जाए। सुर भी हालांकि नेतन्याहू की तरफ से दोहरा दिया गया है कि हमास के संपूर्ण खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी और गाजा में अब तक जिस तरीके से मौत का आंकड़ा 11,000 को पार कर गया है, अभी तक 2/3 महिलाएं और बच्चे इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि गाजा पर हमलों के बाद करीब 2700 से ज्यादा लोग गायब हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है और आशंका इस बीच ये कि गुम हुए लोगों के भी अब मारे जाने की आशंका है। और इसराइली सरकार की तरफ से जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं राठौड़ सर, ये जानना और समझना भी बहुत जरूरी हो चुका है कि क्या सीज फायर तो बिल्कुल भी इसराइल राजी नहीं होगा, लेकिन अगर हम कहें कि ये पॉज लगा दिया जाता है, यानी अगर थोड़े देर का हॉल्ट होता है, उसके बिना पर भी क्या ये शर्तें मानी जाए जहां बंधकों की रिहाई किसी हालात में संभव हो सके? देखिए सुरभि, ये निगोशिएशन की एक आर्ट है। ओके, अगर इसराइल रोज रोता, नेतन्याहू रोज रिक्वेस्ट करते बंधक छोड़ दो बंधक छोड़ दो, तो हमास एक अपर एज पे होता। आज नेतन्याहू बात ही नहीं कर रहे बंधक की, ना अमेरिका बात कर रहा है, अगर बात कर रहे हैं तो वो कतर में कर रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं बंधक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जिसको हमास अपना एक ट्रंप कार्ड समझता था, वो ट्रंप कार्ड चल नहीं रहा है और देख रहे हैं कि उन पर हमले बढ़ते जा रहे हैं।
तो एक टाइम आएगा या तो हमास डेस्परेशन में बंदूकों को मारेगा, बंदूकों को मारेगा तो और हमले होंगे, या बंदूकों को छोड़ेगा। उन्होंने ये बोल दिया है बंधक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं। बिल्कुल सर, हालांकि ये भी हमने देखा कि कैसे खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो बंधकों के परिवार वाले उनके बीच गए थे अपनी पत्नी सारा के साथ, उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि सभी बंधकों को सकुशल हम छुड़ाएंगे। भी एक और बड़ी खबर है, आरडीएफ का हमास की सुरंगों पर बड़ा हमला, गाजा में हमास की सुरंगों का विध्वंस जारी है। हमले में हमास की कई सुरंगें बर्बाद कर दी गई हैं। आरडीएफ ने जारी किया हमले का ताजा वीडियो। वहीं गाजा में हमास के आउटपोस्ट पर आईडीएफ के कब्जे को लेकर भी बड़ी खबर यह है कि आईडीएफ की 401 डिवीजन कॉम्बैट यूनिट का यह ऑपरेशन है। हालांकि हमास के आखिरी गढ़ को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, इसराइल पर अटैक की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया, आईडीएफ ने दुश्मन के ठिकाने को उड़ाया। आईडीएफ ने जारी किया ऑपरेशन का ताजा वीडियो। उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्ला के खिलाफ यह बड़ी कामयाबी। तो हिजबुल्ला का ठिकाना ध्वस्त, जिस तरीके से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से ये वार किए जा रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि उत्तरी फ्रंट पर देखिए, सबसे पहले उत्तरी इजराइल इलाके में बड़े हमले की साजिश को लेकर ये खबर सामने आई है। हालांकि एंटी टैंक मिसाइल से हमले की ये तैयारी मानी जा रही थी करुणा, इसके साथ ही दो मोर्टार शेल लॉन्चर्स और एंटी टैंक मिसाइल से ये तैनात थे। इसके अलावा आईडीएफ ने पहले ही दुश्मन के सेल को ध्वस्त कर दिया, जो जानकारी आ रही है हिजबुल्ला के कुछ लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, मैं आपका रुख कर रहा हूं। देखिए, ये जो हमला किया गया हिजबुल्ला के खिलाफ, जिस तरह से हमला हुआ, इसके पहले ही इसराइल ने वार्न कर दिया था हिजबुल्ला को कि अगर वो नहीं रुका तो हमास के बाद अगला नंबर उसका है, उसका खात्मा होगा, लेबनान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या उसी तरफ हालात जाते हैं आपको लग रहा है कि नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, ये समझना पड़ेगा जो हिजबुल्ला और होती है ये एक प्रकार से शिया ग्रुप हैं और इनको ईरान ने ट्रेन किया है। यूं तो हमास एक सुन्नी ग्रुप है, उसको भी ईरान ने ट्रेन किया है, हथियार भी उन्होंने दिए हैं, मगर अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी में देखें तो जो हिजबुल्ला है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से काफ़ी ज़्यादा है और उसके पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट और मिज़ाइल हैं, उसके पास बाकी आधुनिक हथियार हैं। मगर इसराइल नहीं चाहता कि अभी हिजबुल्ला से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जाए, उसको होल्ड ऑन रखा जाए। जैसे हमास का खात्मा हो जाएगा तो वो हिजबुल्ला के पीछे भी जाएगा, क्योंकि हिजबुल्ला अगर नहीं ख़त्म होता तो वो हरदम प्रॉब्लम रहेगी इसराइल के लिए। ये समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है करुणा, कि अब बातचीत हो रही है कि क्या ये जो होस्टेजेज हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए। ये जो एक प्रकार से नीति बनाई है दोनों इसराइल और अमेरिका ने बनके, वो टू प्रॉन्ग है। एक तो कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी से कतार पे बात हो रही है गिव एंड टेक की, और दूसरा हो रही है कि किस प्रकार से कोई ऑपरेशन लॉन्च करके इनको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें MQ-9 ड्रोन अमेरिका से भी आए हुए हैं। ये पता लगाना लोकेशन कहाँ है, कहाँ छुपाया है हमास ने इन होस्टेजेस को, क्योंकि उनको एक जगह तो छुपा नहीं रखा, अलग अलग जगह छुपा रखा होगा। क्योंकि आज की तारीख में अगर हमास के पास कोई ट्रंप कार्ड है तो वो होस्टेजेस है जैसा वो समझते हैं। वैसे ये बात ठीक है कि इसराइल अपना जो ऑफेंसिव है उसको बिल्कुल कमजोर नहीं कर रहा, बहुत जोरों से कर रहा है, कोलेटरल डैमेज नहीं चाहता इसराइल। ये हमास जो पैलेस्टीन्स का एक प्रकार से ह्यूमन शील्ड बना रहा है, उसके हॉस्पिटल में, स्कूल में, मॉस्क में, उनके हेडक्वार्टर में, और ये याया सिनवार को जो मारा गया है वो भी एक प्रकार से हॉस्पिटल के नीचे छुपा हुआ था, क्योंकि इसराइल चाहता है पैलेस्टीन नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा में जाए, उसने कॉरिडोर भी दिया है, मगर ये हमास नहीं जाने दे रहा। और एक गलत अफवाहें, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ साथ इसराइल का घेराव चुनौती बनता जा रहा है। और नॉर्थ गाजा में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां उत्तरी गाजा पर कंट्रोल हमास खो चुका है और आईडीएफ की ओर से बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। अल शिफा हॉस्पिटल पर हमले नहीं हुए हैं, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया।
तो देखिए आईडीएफ की ओर से उत्तरी गाजा के बारे में और क्या कहा गया है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए आपको दिखा देते हैं इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख कर रहे हैं, यहां पर तस्वीरें लगातार जो हमला हो रहा है। उत्तरी गाजा मिशन पूरा हो गया है, यह आईडीएफ के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। शनिवार की रात आईडीएफ और आगे ज्यादा बढ़ गई है, इलाके में हमास की पकड़ लगभग खत्म हो गई है। उत्तरी गाजा को लेकर यह दावा हो रहा है सुरभि। हालांकि आईडीएफ के प्रवक्ता से यह भी की तरफ से यह भी कहा गया कि हम आतंकवादियों को लगातार टारगेट तो कर रहे हैं और यही वजह है कि तस्वीरें जारी कर उन ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया जा रहा है ये दावा हो रहा है। उत्तरी गाजा पर जिस तरीके से अभी तक हमास का कंट्रोल था ये उन्हीं स्ट्राइक्स का नतीजा है कि दावा ये किया जा रहा है कि अब हमास यहां से पूरा कंट्रोल खो चुका है। और देखिए अल शिफा पर अटैक नहीं, आइए आप देखते हैं कि आईडीएफ की ओर से अल शिफा अस्पताल जो है उसको लेकर क्या सफाई दी गई, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि अल शिफा पर हमला जो किया गया उसके आसपास हमलों को अंजाम दिया गया, इसराइल बेगुनाहों को मारना चाहता है, ये क्या सफाई दी गई है। हमने साफ किया है कि अस्पताल पर अटैक हम नहीं करेंगे, ये इसराइली यानी कि जो डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। हमने अल शिफा अस्पताल के स्टाफ से बाकायदा बात तक की है। मेडिकल स्टाफ और पेशेंट्स बेझिझक अस्पताल में आए और आम नागरिक उत्तर से दक्षिण की ओर भी मूव कर जाएं ये बात कही जा रही है। यहाँ की सही स्थिति दुनिया को वो बताना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं जिसके तहत कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या नागरिकों और अस्पतालों पर हमले को लेकर उठ रहे सवालों से इसराइल अब क्या किसी दबाव में आ गया है। OIC अरब लीग की बैठक में मतभेद उभर कर सामने आ गया, जो हमने आपको बताया था इसराइल को तेल रोकने पर मतभेद सामने आया। ईरान के प्रस्ताव के खिलाफ चार देश उतर आए, सऊदी अरब ने भी सपोर्ट नहीं किया ईरान की तरफ से। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने जो प्रस्ताव रखा, रईसी ने दिया इजरायली एटमी प्रोग्राम का हवाला, रईसी की दलील को खारिज कर दिया गया। और तेल आपूर्ति पर कैसे मुस्लिम देशों के लीडर अब बटे हुए नजर आ रहे हैं, कैसे बट गए हैं इसराइल पर मुस्लिम कार्ड दो फाड़, इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि इसराइल को तेल आपूर्ति रोके ये बात ईरान अल्जीरिया और लिबनान कह रहे हैं। और तेल आपूर्ति रोकने के खिलाफ कौन है, सऊदी और इसके साथ साथ बहरीन, UAE और मोरक्को। ये इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आखिर राठौड़ सर मुझे लगता है इस बात को आप ज्यादा बेहतर हमें इलैबोरेट कर समझा पाएंगे क्योंकि मुस्लिम देशों के ये जो तेल आपूर्ति को लेकर बात कही जा रही है ये किस और रुख देखती है, युद्ध के हालात के बीच में इस तरीके का रुख क्या संकेत। देखिए सुरभि, तीन चार चीजें उन्होंने कही थी, तेल उसमें से एक है, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, दूसरा एयर स्पेस ब्लॉक करने की बात है, डिप्लोमेटिक संबंध काटने के। रही बात तेल की, तो तेल का ऐसा है कि इसराइल तेल नहीं पैदा करता है, सिर्फ उसके पास कुछ गैस ऑयल फील्ड्स है, गैस फील्ड्स है, तो अगर वो तेल बंद होता है तो इसराइल वाकई संकट में आ जाएगा और इसीलिए ये चीज़ खारिज की गई है। यहाँ पर तीन देशों ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया था, एक थे तुर्की, दूसरा था ईरान और तीसरा ये अपना फलस्तीन तो साथ में थे ही, लेकिन इनको जो मॉडरेट करने वाले वहाँ निकले, सऊदी अरब निकला, इजिप्ट निकला, जॉर्डन निकला और खाड़ी के अन्य देश निकले। बात यह है कि यहाँ पर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि इसी तरीके की मीटिंग 10 अक्टूबर को कैरो में हुई थी और एक महीने के बाद ये मीटिंग हुई है रियाद में, इसमें एक स्टेप आया है, लोग खुल करके बुराई कर रहे हैं इसराइल की और अमेरिका की। अगली मीटिंग में आप देखेंगे लोग और सख्त रुख अपना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप सर बोल रहे हैं कि अगली मीटिंग, क्योंकि लगातार एग्रेसिव जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हो रहा है, भले अभी विरोध किया गया हो प्रस्ताव का, लेकिन आगे क्या होगा अगर इसराइल नहीं रुका तो यह भी देखना होगा। एक और बड़ी खबर, OIC अरब लीग की बैठक में उठी है मांग, गाजा पर हमला तुरंत रोकने की मांग की गई है इसराइल से। सऊदी अरब के रियाद में यह बैठक हुई, जो कल ईरान की इसराइल पर सख्ती की वकालत, कई अन्य देश भी इसराइल पर सख्ती के पक्ष में आ गए हैं, हालांकि बैठक में नहीं बन पाई कोई आम सहमति। बैठक में और क्या कुछ हुआ, क्या कहा गया ये जानिए, क्योंकि इसराइल पर OIC और अरब लीग की बैठक में महत्वपूर्ण ये है, दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेता यहां मौजूद रहे, फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान की मांग की गई और गाजा पर बमबारी के लिए इसराइल की आलोचना भी हुई है। करुणा, बिल्कुल, इसके अलावा गाजा पर बमबारी तुरंत रोकने की मांग रखी गई खुले तौर पर। बैठक का मकसद क्या है, इसराइल के ऊपर लगातार दबाव बनाने, मकसद साफ है, मुस्लिम देशों की एकजुटता को दिखाना भी मकसद साफ है और ईरान बेहद सख्त कैसे नजर आ रहा है सुरभि बताइए।
क्योंकि इसराइल के खिलाफ कठोर कदम का प्रस्ताव यहां रखा गया है। रईसी ने इसराइल को तेल आपूर्ति रोकने को कहा है, जिस आधार पर अभी राठौड़ सर हमें यह बात समझा रहे थे कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि इसमें दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कई अन्य देश भी इसराइल पर सख्ती के पक्ष में जरूर नजर आए हैं, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बात करें तो आर्थिक और राजनीतिक संबंध खत्म करने पर भी यहां चर्चा की गई है, जो एक बहुत बड़ा संकेत है और उस पर बैठक में सभी देश एकमत नहीं दिखे हैं। और एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, सऊदी की इजराइल और हमास को नसीहत सामने आई। हमास से बंधकों को छोड़ने के लिए कहा है सऊदी ने, प्रिंस ने इसराइल को सुनाई है खरी खोटी भी, गाजा के लिए इसराइल को जिम्मेदार बताया। रियाद में ओआईसी अरब लीग की आपात बैठक जो हुई, अब सऊदी के क्राउन प्रिंस ने क्या कहा जरा ये भी जान लेते हैं और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा देते हैं इसकी इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए। ये वो महत्वपूर्ण बैठक और साथ ही गाजा में जो हो रहा है इसराइल उसका जिम्मेदार है मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी के क्राउन प्रिंस की तरफ से ये बात कही गई है। बिल्कुल, और देखिए इसराइल एक कब्जाधारी देश बन गया है, ये बेहद ही सख्त लैंग्वेज नजर आई है और ये बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि सऊदी बड़ा बैलेंस होकर चल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सवालों में है ये बात भी कही गई है और इसे लागू करने में दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं, ये इस पर भी गौर करने की बात कही गई है। और ये भी कहा गया कि हम एक मानवीय त्रासदी का लगातार सामना करें जो गाजा में हो रहा है, उसके संदर्भ में बयान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसराइल को रोकने में पूरी तरह से विफल और नाकाम साबित हो रहा है। हालांकि इसराइल को लेकर यह दोहरे मापदंड को ही दिखाता है और साथ ये भी कि गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, तो जोर इस बात पर दिया जा रहा है जो वहां के हालात इस वक्त करुणा है और बंधकों को छुड़ाना जिस तरीके से पूरे विश्व में इसको देखते हुए प्राथमिकता दी जा रही है, ये एक बड़ा बयान अब सामने। और अश्विनी श्रीवास्तव, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं, देखिए कल जो बैठक हुई है अरब लीग की, उसमें हमने देखा कि दो फाड़ नजर आए, हालांकि बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच सबने दिखाया इसराइल के खिलाफ। अब जो इसके बाद आज ओआईसी की 57 देश मिलकर बैठेंगे, वो वहां क्या हो सकता है, क्या आपको लग रहा है? है करुणा कि इसके अंदर दो फाड़ नजर आ रही हैं, एक तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन वगैरह हैं जो कि एक बहुत बैलेंस व्यू बता रहे हैं कि लड़ाई सीज फायर होना चाहिए, मगर होस्टेजेस को पहले छोड़ा जाना चाहिए। जब तक होस्टेजेस नहीं छोड़ेंगे सीज फायर होना बड़ा मुश्किल है। मगर दूसरी तरफ जो ईरान है, टर्की है, जो कि एक प्रकार से आइसोलेट करना चाहते हैं इसराइल को, वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लगाओ, इसको ऑयल देना बंद करो, इसके ऊपर क्या नाम सीज फायर की बात हो। तो मुझे लगता है कि ये जो गैप आ गया है ये बड़ा मुश्किल। देखो सऊदी अरेबिया, यूएई कभी बात नहीं कर रहे ऑयल ना देने की, उसकी वजह क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। ये जमाना है कि आसान नहीं है किसी पे आप ऑयल एम्बार्गो लगाना, उसके बाद अमेरिका उतर आएगा, अमेरिका कहीं ना कहीं, अगर एक तरफ से कोई बैन लगता है नहीं होगा, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। इंडिकेशन साफ है कि अगर एक तरफ से कुछ होता है तो इसका जो रिपरकशन है वो धीरे धीरे और बड़ा होगा और सभी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।